राफ्टिंग करने चलते हैं और राफ्टिंग के पास नियर बाय में पार्किंग पड़ती है। को आगे झुकाने ना, आगे से पीछे लंबा पैडल, सेकंड कमांड मिलेगा स्टॉप, स्टॉप टाइम में पैडल प्रॉपर थाइस के ऊपर रख देना, एक हाथ से रस्सी को होल्ड कर देना ओवर द पैडल, ये पैडल आपके अंडर आर्म्स के भरने में उल्टा इस तरीके से पैडल रहेगा, सभी के हाथ में पैडल को छोड़ना नहीं, पैडल आपके रिवर का बेस्ट फ्रेंड है, पैडल को जैकेट के शोल्डर के साथ कैरी करना इस तरीके से, माउथ क्लोज करना है इस तरीके से, बैक क्लोज करना है, उल्टा लेट जाना, जो आपके लैग्स है लैग्स को डाउन स्किन करना है, नीचे आप इसके ऊपर ग्राउंड इस ऊपर फ्राइडे सैटरडे और संडे को मत आएँ, मंडे टू वेनसडे थर्सडे तक आ जाएं, इसके बीच में राफ्टिंग आपकी बहुत अच्छे तरीके से होगी, प्लस यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह भी इतना देखने को नहीं मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं राफ्टिंग के लिए, निकल चुके हैं अब, देख सकते हो यहाँ से काफ़ी वेहिकल के ऊपर देख सकते हो, राफ्टिंग बोट यहाँ पर रखी हुई, यहीं से सारी लोड होके रिवर किनारे जाएंगे और वहीं पर राफ्टिंग की जाएगी, चलते हैं हम भी राफ्टिंग करने चलते हैं और राफ्टिंग के पास नियर बाय में पार्किंग पड़ती है, ये वो पार्किंग है और इस पार्किंग का जो चार्ज है व्हीकल का चार्ज है 200 रुपये पर व्हीकल, तो जब भी आप विजिट करें यहाँ विजिट करें भैया, वैसे चार्ज बहुत ज़्यादा है पर फिर क्या करें, क्योंकि बाहर अगर जो रोड पे आप वाहन को खड़े करते हो तो वो पुलिस वाले ले जाते हैं। देख सकते हो भैया इस तरीके से यहाँ पे पार्किंग के लिए पर्ची काटते हैं और ये पर्ची आपके लिए 12 घंटे के लिए वैलिड रहती है। आ गए हैं दोस्तों लोकेशन पे और देख सकते हो यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे राफ्टिंग, कैंपिंग, बाइक ऑन रेंट, हर चीज़ की सुविधा अवेलेबल है। चलते हैं अंदर, दिखाते हैं हम आपको इस तरीके से। यहाँ पे पहले भैया आपको गाइडलाइंस थोड़ी सी कुछ गाइडेंस करेंगे कि राफ्टिंग कैसे करते हैं, इस तरीके से सब चीज़ बताएंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना रहता है और ये देख सकते हो यहाँ पे पहले एक फॉर्म भरवाएंगे, इस फॉर्म पे लिखा रहता है अगर जो राफ्टिंग करते समय आपको कुछ हो जाती है तो उसमें हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और इस पर सभी का सिग्नेचर करा लेते हैं तो ये प्रूफ हो जाता है। भाई राफ्टिंग करने से पहले जरूर कुछ खा लें क्योंकि बहुत खतरनाक राफ्टिंग करने वाले हैं हम और तो मैंने कभी मीटर की राफ्टिंग करेंगे हम, तो हमने यहाँ पे लगवाए हैं भटूरे मिलेंगे, दोनों भाइयों ने मिलकर यहाँ पे हमने दो प्लेट भटूरे फिनिश कर दिए और चलते हैं राफ्टिंग के लिए। जिस व्हीकल द्वारा हम राफ्टिंग करने जाएंगे उस व्हीकल में हम बैठ चुके हैं और चल चुके हैं, देख सकते हैं काफ़ी इंजॉय करते हुए चल रहे हैं हम और चलते हैं आपको आगे के भी दिखाते हैं। लोकेशन पर आ चुके हैं दोस्तों और अभी यहीं से हमारी राफ्टिंग शुरू होगी, जैसे कि आप देख सकते हो कितने सारे बोट इसमें पड़े हुए हैं राफ्टिंग के लिए जो कि काफ़ी पहले से आए हुए हैं तो वो रेडी हैं और अब हम अभी आए हैं तो अभी यहाँ से रेडी होंगे और दिखाएंगे हम आपको आगे किस तरीके से हमने राफ्टिंग करी, काफ़ी इंजॉय किया, काफ़ी अच्छा लगा, तो आई होप एक बार आप ज़रूर विजिट करें हैं, बहुत अच्छा लगेगा। देख सकते हो काफ़ी संख्या में यहाँ पे पब्लिक मौजूद है और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करने के लिए यहाँ पे हमेशा भीड़ रहती है। सब इस ट्राई बैग में डाल दो, इसमें सेफ रहेगा, आप लोगों के पास कुछ सेफ नहीं होगी, जेब में कुछ मत रखना। ध्यान से सुनेंगे सभी लोग, पहले किया है सभी लोगों ने राफ्टिंग? नहीं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, जो भी है थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे सभी लोगों, फिर जिसमें जो भी क्वेश्चन होगा लास्ट में करेगा, तो इस बीच में कोई नहीं बोलेगा। ओके ओके गाइस, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग, गंगा रिवर में आप सभी लोगों को, चलो मैं आपके साथ इस बोट में गाइड चलूंगा, मेरा नाम है मोहन एंड सेकंड रूप में आपके साथ गाइड चलेंगे, उनका नाम है मिस्टर श्रद्धा, राइट, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जगह का नाम है त्रिपुरी, एंडिंग पॉइंट होगा हमारा एनआईएमबी, जो की लक्ष्मण झूला से थोड़ा सा पहले बढ़े, राइट, ये हमारा राफ्ट है, राफ्ट का फ्रंट साइड है वो बैक साइड, ये लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, इसको फ्रंट साइड बैक साइड आप देख रहे होंगे, दो तीन फ्रंट साइड की पहचान कैसे करनी, आपको फ्रंट में होते हैं एक्स्ट्रा लॉन्ग रूप बंधा, नहीं होता तो आपको हमेशा फ्रंट साइड में एक्स्ट्रा लॉन्ग रूप देखो, ओके, इसमें बैठना कैसे होता है, पट्टी दिखती है आउट साइड आउट चैंबर, कुछ लोग बैठेंगे राइट साइड, कुछ लोग बैठेंगे लेफ्ट साइड, बैठना कैसे होता है प्रॉपरली आउट साइड आउट चैंबर, बाहर होती
फ्रंट वालों के लिए स्टेप दिए गए लैग्स को लॉक करने के लिए। जो राइट से बैठेगा उसका राइट लैग फ्रंट डॉग होगा इसके अंदर, लेफ्ट वाली एडी पीछे सपोर्ट के लिए। जो लेफ्ट से बैठेगा उसका लेफ्ट लैग फ्रंट डॉग होगा राइट वाली एडी पीछे सपोर्ट के लिए। ट्रेन पोजीशन है जो बैक साइड में बैठेगा, बैक साइड में प्रॉपर रिपोर्ट ग्रिप नहीं दी होती तो लैग्स को लॉक ऐसे करना है। ये क्रॉस भी बैठेगा राइट से राइट फ्रंट होगा लेफ्ट वाली एडी पीछे सपोर्ट के लिए। इसमें भी आपको कहीं पे झटका लगेगा बाहर नहीं गिर पाओगे। बाकी सारी सभी सीट आप सभी के हाथ में क्या दिया है, पैसे बोलेंगे हम से चप्पू डंडा ऑन स्पीड होता है। मोटर बोट है नया, जब आप लोग गोइंग करोगे रात को स्पीड होगी तभी हम मजे ले पाएंगे, तभी से चल रहे राइट। इसको होल्ड कैसे करेंगे देखो, इसके तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है टी ट्रैकिंग स्ट्रैप एंड थर्ड प्लेस। होल्ड कैसे करेंगे, फर्स्ट टाइम टी सी आपका थंब डाउन फोर फिंगर टॉप, सेकंड हैंड का आपका जस्ट होने दबे राइट। इसी तरीके से सभी लोग इसको होल्ड करेंगे, बाद में कोई ऐसे होल्ड नहीं करेगा, ऐसे होल्ड आएगा राइट पोजीशन इसका। इस तरीके से सभी लोग इसको होल्ड करेंगे ठीक है। अब रिवर में चलने के लिए आपको कुछ 3-4 बेसिकली कमांड चीन होगी जो कि आप लोगों को ऑन द रिवर चलते चलते अच्छे से फॉलो करेंगे। फर्स्ट कमांड मिलेगा आपको पैडल फॉर, सेकंड कमांड मिलेगा स्टॉप, थर्ड कमांड मिलेगा ऑल बैक पैडल एंड फोर्थ कमांड होता है एमरजेंसी कमांड एवरीबॉडी गेट डाउन। फर्स्ट कमांड पैडल फॉरवर्ड। पैडल फॉरवर्ड में क्या करना है, रोइंग करना है आपको। स्पीड कैसे करना है, टेक्निक समझ लो, एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए तभी खत्म करना। एल्बो स्ट्रेट रखना है, बॉडी को आगे मूव करना है, पैडल का ब्रेक पार्ट पूरा डीप करना है पानी के अंदर स्ट्रेट, फिर आगे से खींचना है पीछे फॉरवर्ड। लीन योर बॉडी ऑन फ्रंट टू बैक इस तरीके से। हाँ ये चपा चपा नहीं चलाना है, ऐसे चलाओगे फॉरवर्ड की उठाएगी ना ही मजा आएगा और ना ही सेफ चलेगी। इसलिए बॉडी को आगे झुकाना है, आगे से पीछे लंबा पैडल खींचना है। सेकंड कमांड मिलेगा स्टॉप। स्टॉप टाइम में पैडल प्रॉपर थाइस के ऊपर रख देना, एक हाथ से रस्सी को होल्ड कर देना ओवर द पैडल। ये पैडल आपके अंडर आर्म्स के बीच लॉक होना चाहिए, इसको यहाँ से होल्ड नहीं करना। यहाँ से होल्ड करोगे पैडल का ब्रेक पार्ट फ्री हो जाएगा, आगे जाके इसमें ब्रेक का झटका लगेगा सामने वाले के लग जाएगा, इसलिए इसको लॉक रखना है स्टॉप। पैडल का टी पार्ट एनी टाइम सभी का होल्ड होना चाहिए। स्टॉप थर्ड कमांड मिलेगा ऑल बैक पैडल। बैक पैडल में क्या करना है, थाइस का सपोर्ट लेना है एंड बैक टू फ्रंट और बट का अपोज कीवर पलटने वाले तो आपको तुरंत कमांड करेंगे एवरीबॉडी गेट डाउन। सेम स्टॉप की पोजीशन में रस्सी को होल्ड कर देना, इंपॉर्टेंट बैक को फ्री करके आने साइड का हल्का का सर आपकी मतलब नहीं करना। गेट बैक तुरंत बार किसी का ऐसे नहीं की कमांड किया एवरीबॉडी शट डाउन। आपने पैडल अंदर रखा रस्सी को व्हाइट वाला गेट डाउन अंदर बैठ समझ गए सभी। अब रैपिड टाइम कभी कभी क्या होता है आप लोगों की लाख अच्छी से लाभ नहीं सुनते, अगर इनकेस कोई बंदा गिरता गया तो जो भी गिरेगा सबसे पहले बोर्ड ही क्लोज होते हैं, तो बोर्ड के चारों तरफ बनी हुई सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, स्लाइड टाइम की होल्ड करने की कोशिश। अगर इनकेस आपके होल्ड नहीं लगती आप थोड़ा रिमूव चले जाते हैं पानी में, बाकी तो वहां से क्या करना पानी नहीं होना, किसी को घबराना नहीं, पानी नहीं होना बिल्कुल भी। क्यों नहीं घबराना, क्योंकि आपके पास मेन सिटी है जो कि सभी लोगों ने इसकी कैपेसिटी 120 की थी कंटिन्यू करता है, यानी कि आप डूबने की कोशिश भी करो तभी डूब नहीं, इसलिए किसी को घबराना नहीं है पानी नहीं होगा। आप काफी दूर बैठ जाते हैं वहाँ पे आपको क्या करना है, बैक फ्लोट करना है, व्हाइट वाटर स्विमिंग पोजिशन लेना वैसे आप घर में उल्टा इस तरीके की पैडल रहेगा सभी के हाथ में, पैडल को कुछ छोड़ना नहीं, पैडल आपके रिवर का बेस्ट फ्रेंड है। पैडल को जैकेट के शोल्डर के साथ कैरी करना है इस तरीके से, हाफ यूज करना है इस तरीके से, उल्टा लेना है जो आपके लैक है लैक टू डाउन स्ट्रीम रखना है नीचे की तरफ, फिर हमारे पास एक रैक बैक है जिसके अंदर 15-20 मीटर लंबा उस टाइम आपको स्विंग करेंगे जो सिटी मारेंगे तो आपका आई कॉन्टेक्ट कमांड करेंगे, बैग आपके पास शुरू करेंगे, बैग ऐसे आपके पास ही करेगा लेफ्ट राइट कहीं भी कितने तो थोड़ा सा हाथ पांव चला के आप लोग होल्ड करते हैं। होल्ड कैसे करना है, बैग आएगा आपके पास, बैग का माउथ क्लोज करके पैडल को कैरी करके फिर बैग क्लोज करके होल्ड करेंगे, ध्यान दे फेस पानी की तरफ ना रहे, अगर ऐसी होती है तुरंत रिपीट में उतर ठीक है। रस्सी आएगा हाथ में तो रस्सी को थोड़ा राउंड कर देना, पैडल कैरी करके फिर बैक क्लोज करें, ऐसे नहीं कि रस्सी आए गले में लपेटर पांव में लपेटर खींचो भैया, समझ गए सभी लोग। यस सर। किसी का कोई क्वेश्चन, मैं आप लोगों से एक लास्ट क्वेश्चन, किसी को कोई मैच का किसी को नहीं हार्ड अस्थमा बैक पे लोगों ने एक चीज और, एक यहाँ पे हमारे पास एक GoPro रहता है वाटर प्रूफ कैमरा, अगर आप लोग वीडियो फोटो वीडियोस के लिए इंटरेस्टिंग होंगे तो हम लोग पैसे शूट करते हैं 9 रैपिड आते हैं, 9 रैपिड का आगे जाके बॉडी का इन पार्ट आते हैं वहाँ पे आपको पानी में जाऊंगा, प्लस जिसको हाफ रैपिड में जाना होता है जिसको हाफ रैपिड में आपको 3-4 GB डाटा देते हैं। अगर आप लोग इसके इंटरेस्टिंग होंगे तो बता सकते हैं आपको 4 GB चार्ज देते हैं आपका 20 आपके सभी मेंबर्स।
अगर आप लोग गंगे मैया की जय और जोर से गंगे मैया की जय। ये हमारे राफ्टिंग का फिनिशिंग पॉइंट है और आप अपने इच्छा अनुसार जो भी यहाँ पे मैगी और पास्ता वगैरह कुछ भी बनवा सकते हो और नींबू पानी शिकंजी सब चीज़ की यहाँ पे व्यवस्था रहती है, तो अपने इच्छा अनुसार जो भी आपको अच्छा लगे ले सकते हो। और ये राफ्टिंग का फिनिशिंग पॉइंट है, आप चलते हैं यहाँ से आगे। राफ्टिंग कर लिया दोस्तों, राफ्टिंग करने के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो चुकी है हमें, देख सकते हो हमारे भैया सोए हुए हैं और हमें अभी नींद नहीं आ रही बिकॉज हमने रात को बहुत अच्छे से नींद लिया था, इसलिए ये पूरी रात जगे रहे थे। तो आप आए यहाँ, बहुत अच्छा लगेगा आपको राफ्टिंग में, बहुत इन्जॉय करने को मिलेगा आपको। बट एक थोड़ा सा वही दुख रहेगा कि जो अगर जो राफ्टिंग की वीडियो आपको मिल गई तो और ज़्यादा खुशी होगी, अदरवाइज़ थोड़ा सैड हो जाओगे क्योंकि हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता राफ्टिंग की वीडियो। मैं भी नहीं कर पाया और मेरे साथी लोग भी नहीं कर पाए। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का, आई होप आएँ घूमें इन्जॉय करें। और ऋषिकेश में राफ्टिंग के लिए आपको कभी भी आना हो तो खास करके फ्राइडे सैटरडे और संडे को मत आएँ, मंडे टू वेनसडे थर्सडे तक आ जाएँ, इसके बीच में राफ्टिंग आपकी बहुत अच्छे तरीके से होगी। प्लस यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह भी इतना देखने को नहीं मिलेगा, अगर जो आप सैटरडे संडे में आते हो तो यहाँ एक ट्रैफिक इतना ज़्यादा मिलेगा आपको कि आप राफ्टिंग के लिए तो भूल ही जाओ। तो आप जब भी आएँ मंडे टू थर्सडे के बीच में आएँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है यहाँ का, वही चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। और बने रहे मेरे इस ब्लॉग में, काफ़ी अच्छा लगेगा आपको।